हेलो दोस्तों, आई एम विकास फ्रॉम हिंदी वेब टेक। ये हमारा बूटस्ट्रैप 5 का थर्ड ट्यूटोरियल है। इस कोर्स में हम जानेंगे कंटेनर्स के बारे में। दोस्तों, बूटस्ट्रैप एक रेस्पॉन्सिव CSS फ्रेमवर्क है जिसकी क्लासेस की सहायता से आप किसी भी वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से। दोस्तों, कंटेनर नाम की जो क्लासेस हैं वह वेब पेज के लेआउट को विड्थ के साथ साथ सेंटर रखने का कार्य करती है। आइए समझते हैं कंटेनर की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बारे में। दोस्तों, ये कंटेनर बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट क्लास है जहाँ सबसे पहले इसी को यूज किया जाता है। बूटस्ट्रैप 4 में भी ये कंटेनर क्लास होती थी। ये बूटस्ट्रैप में दो क्लासेस होती थी कंटेनर में बेसिकली, एक तो कंटेनर क्लास होती थी और उसके अलावा कंटेनर फ्लूइड नाम से क्लास होती थी। और अब जब बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ये काफ़ी एडवांस हो गया है, तो इसमें कंटेनर्स के अलावा और अदर कंटेनर्स की क्लासेस भी आ गई है, जैसे कि कंटेनर SM, कंटेनर्स डैश MD, कंटेनर्स डैश LG, कंटेनर डैश XL और कंटेनर डैश XXL। दोस्तों, इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, जो कंटेनर की बाय डिफॉल्ट क्लास होती है जहां हम लोग क्लास कंटेनर यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वो मोबाइल के अंदर जब उसको आप देखोगे तो वो उसकी विड्थ 100% हो जाती है। इसके अलावा स्मॉल स्क्रीन पर जब आप इसको देखोगे तो उसकी विड्थ 540 पिक्सल की हो जाती है। ठीक जैसे ही आगे मीडियम स्क्रीन पे आप देखोगे तो इसकी विड्थ 720 पिक्सल की हो जाती है। फिर चलते हैं अपन लार्ज स्क्रीन पे। लार्ज स्क्रीन पे दोस्तों इसकी विड्थ 960 पिक्सल की हो जाती है, और उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे 1140 पिक्सल की विड्थ हो जाती है। और जब बाकी जो डबल एक्सल जो है वहाँ डबल एक्सेल से मीनिंग बड़ी स्क्रीन के लिए ये 1320 पिक्सल की हो जाती है। दोस्तों, नीचे देखते हैं कंटेनर SM। दोस्तों, कंटेनर SM और कंटेनर ये लगभग सिमिलर सी काम करती है। चाहे तो आप यहाँ इनकी वैल्यू भी देख सकते हैं। स्मॉल स्क्रीन पे सेम इसकी विड्थ 100% है, इसके अलावा 540 पिक्सल है स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए 720 पिक्सल, लार्ज के लिए भी 960 पिक्सल सेम है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 1140 पिक्सल दोनों में सेम है, उसके अलावा डबल एक्सल 1320 पिक्सल दोनों में सेम है। तो आप कंटेनर यूज करो या फिर कंटेनर SM करो, दोनों एक जैसे काम करती हैं। आगे बात करते हैं कंटेनर MD के बारे में। दोस्तों, कंटेनर MD की जो स्पेसिफिक 5 विड्थ जो स्टार्ट होती है वो मीडियम स्क्रीन से स्टार्ट होती है। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, जब मीडियम स्क्रीन पे ये कंटेनर की क्लास देखते हैं हम लोग तो वो 720 पिक्सल की विड्थ के साथ आती है। और अगर इससे छोटी स्क्रीन पे आप उसको देखोगे, अगर कंटेनर MD आपने ऐड किया हुआ है तो छोटी स्क्रीन पे ये 100% लेके चलेगा, जैसा कि इसमें दिखा भी रखा है, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे 100% और स्मॉल स्क्रीन पे 100%। आगे देखते हैं मीडियम पे, आपको बता ही दिया 720 पिक्सल, लार्ज स्क्रीन पे वही 960 पिक्सल की इसकी विड्थ होने वाली है, और एक्स्ट्रा लार्ज पे ये 1140 पिक्सल की हो जाएगी, और डबल एक्सेल यानी कि बड़ी स्क्रीन पे ये 1320 पिक्सल की विड्थ रह जाती है। दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं कंटेनर डैश LG के बारे में। दोस्तों, कंटेनर LG की जो स्पेसिफिक वाइब विड्थ स्टार्ट होती है वो लार्ज स्क्रीन के लिए स्टार्ट होती है, जो कि इसके नाम से ही अपने को अब आइडिया लग जाता है कि कंटेनर LG अगर आप ऐड करते हो तो वहाँ पे आपको 960 पिक्सल की विड्थ के साथ वो लार्ज स्क्रीन पे शो होती है। अगर आप इससे छोटी स्क्रीन पे उसको देखोगे तो आपको 100% मिलेगा, चाहे आप एक्स्ट्रा स्मॉल में देखो, चाहे स्मॉल स्क्रीन में देखो और चाहे मीडियम स्क्रीन में देखो। आगे बात करते हैं 1140 पिक्सल की विड्थ इसकी एक्स्ट्रा लार्ज में रहने वाली है, और डबल एक्सेल के अंदर इसकी 1320 पिक्सल रहने वाली है। आगे देखते हैं कंटेनर XL। दोस्तों, कंटेनर XL जो कि अब तो नेमिंग से आइडिया लग गया है कि कंटेनर XL जब एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे ये 1140 पिक्सल की एक स्पेसिफिक 5 विड्थ के साथ काम करेगी, और उससे छोटी स्क्रीन पे जैसे कि लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन और एक्स्ट्रा स्मॉल, इन सब पे ये 100% विड्थ के साथ चलेगी। आगे इससे अपर विड्थ जैसे बड़ी स्क्रीन है तो वहाँ पे आपको 1320 पिक्सल की विड्थ के साथ वो काम करेगी कंटेनर। दोस्तों, इसके आगे देखते हैं कंटेनर डबल XL। दोस्तों, कंटेनर डबल XL का काम ये है कि ये आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक फिक्स विड्थ के साथ आपका कंटेनर रहने वाला है। अगर आप उसको उससे छोटी स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल,
इन सब पे अगर आप उसको देखते हैं, अगर कंटेनर डबल एक्सेल लगा रखी है आपने तो वहाँ पे आपको 100% विड्थ मिलने वाली है। सिर्फ ये बड़ी स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक विड्थ के साथ काम करेगा जो कि यहाँ पे 1320 पिक्सल की दी हुई है। दोस्तों कंटेनर फ्लूड, अब बात करते हैं कंटेनर फ्लूड के बारे में जो बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों बूटस्टे 4 और 5 दोनों में ये कंटेनर फ्लूड सिमिलर सा काम करती है। अगर आपको बूटस्टे 4 का आइडिया नहीं है तो बूटस्टे 5 में लगभग सेम काम करती है। मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप कंटेनर फ्लूड लगाते हो तो आपकी जो वेब पेज का लेआउट है वो किसी भी स्क्रीन पर आप उसको देखोगे तो वो 100% ही काम करेगा। चाहे आप छोटी स्क्रीन लो, चाहे बड़ी स्क्रीन लो, चाहे मीडियम लो, चाहे लार्ज लो, चाहे एक्स्ट्रा लार्ज लो, हर एक स्क्रीन पे वो एक 100% विड्थ के साथ फुल लेआउट चलेगा उसके साथ। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कंटेनर क्लासेस किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हमारे VS कोड के अंदर। यहाँ पे हमने एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट की बूटस्ट्रैप की JS को हमने पोल किया कराई कर दिया है इसमें। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि बूटस्ट्रैप 5 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग एक बार इसको हटाते हैं और हम लोग लेते हैं एक ड्यू और वहाँ पे हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट देके वहाँ पे कंटेनर की क्लास लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक टेक्स्ट ऐड किया, जैसे कि पैराग्राफ लिया मैंने और वहाँ लिखा मैंने हिंदी वेब टेक। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है, यहाँ पे हमारा हिंदी वेब टेक आ चुका है। अब कंटेनर के ऊपर हम क्या एक काम करते हैं, इसके अंदर एक बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, इनलाइन बैकग्राउंड कलर लाइट सियान। दोस्तों रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये कंटेनर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये कंटेनर हमारा कंटेनर की क्लास के साथ ये चल रहा है। मैं आपको फाइल इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा देता हूँ, ये हम लोग कंटेनर में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 1320 पिक्सल की पिक। अब जब आप इसको छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे छोटा करेंगे तो इसकी विड्थ आपको चेंज होगी। जैसे ये 720 पिक्सल की हो गई, इससे अगर छोटा करोगे आप तो ये 1140 पिक्सल की विड्थ हो गई। उसके बाद हम लोग और छोटा और इधर ऊपर करते हैं, इसको छोटा करके देखते हैं तो ये 540 पिक्सल की विड्थ हो गई। और अगर इसके अलावा और हम लोग इसको छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 100% विड्थ इन्होंने इसमें ले लिया। ये देखिए विड्थ 100%। आगे देखते हैं दोस्तों कंटेनर की SM क्लास। जैसा कि मैंने बताया था कंटेनर SM और कंटेनर लगभग सेम काम करती है। रिफ्रेश करते हैं, ये कंटेनर SM हो चुका है। यहाँ पे भी वही सेम तरीके से काम करेगा, 1320 पिक्सल की विड्थ। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बड़ा छोटा किया इसको तो ये 1140 पिक्सल की हो गई। और छोटा करता हूँ इसको तो मैं 960 पिक्सल की विड्थ हो गई SM वाली स्क्रीन में। और छोटा करता हूँ तो ये 720 पिक्सल की विड्थ हो चुकी है। उसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग, ये देखिए छोटी स्क्रीन पे ये 540 पिक्सल की विड्थ हो गई है और मोबाइल के अंदर ये वापस अपनी 100% हो गई। तो दोस्तों आपने देखा दोनों कैसे एक तरीके से ही काम करती है, कंटेनर SM और कंटेनर की क्लासेस। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कंटेनर MD के बारे में। दोस्तों कंटेनर MD मैंने ऐड की और अब मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए आप, ये हम कंटेनर को चेक करते हैं, बड़ी स्क्रीन पे ये 1320 पिक्सल की आ रही है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके देखता हूँ छोटी स्क्रीन के लिए तो ये हमारे ये 960 पिक्सल की विड्थ हो गई। उसके बाद और मैं जूम करता हूँ इसको तो ये 720 पिक्सल की विड्थ हो गई। उसके बाद मैं फिर और जूम करता हूँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं थोड़ा सा और मैंने जूम किया तो ये 100% की विड्थ हो गई। तो दोस्तों अगर आप कंटेनर को मिडिल
मीडियम स्किन पे जब देखते हैं तो वहाँ से आपको एक स्पेसिफिक पाई विड्थ मिलती है 720 पिक्सल की। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखते जाएंगे तो ये आपको विड्थ अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग चेंज होती हुई दिखेगी, जो कि एक स्पेसिफिक पाई विड्थ के साथ काम करेगी और छोटी स्क्रीन पर ये 100% के साथ काम करेगी। आगे देखते हैं कंटेनर LG के बारे में। दोस्तों कंटेनर LG मैंने ऐड की और अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये कंटेनर LG में आप देख सकते हैं सेम 1320 पिक्सल बड़ी स्क्रीन के साथ काम कर रही है। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ तब भी वो सेम काम करेगी, लेकिन अगर मैं जूम इन करता हूँ मतलब अगर छोटी स्क्रीन के लिए जाता हूँ मैं तो यहाँ पे आपको 1140 पिक्सल की विड्थ इसने दे दी। उसके बाद फिर मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा फिर ये 960 पिक्सल की विड्थ आ गई। उसके बाद फिर मैं अगर मोबाइल व्यू में करके इस तरीके से समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको भी। तो हम लोग जैसे धीरे धीरे आगे करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप ये कंटेनर LG अगर हमने लगाया तो ये लार्ज स्क्रीन के लिए आपको लास्ट 960 पिक्सल की विड्थ के साथ काम कर रहा है और जैसे ही मैं इसको छोटा करता जाता हूँ तो ये 100% के साथ काम कर रही है। अब ये देखिए, अब आप अगर इसको जितना छोटा करते जाएंगे वो हमेशा 100% विड्थ के साथ ही काम करेगी। आगे बात करते हैं कंटेनर XL के बारे में। कंटेनर XL हमने ये कर दी और अब चेक करते हैं दोस्तों। कंटेनर XL यहाँ पे हम देख सकते हैं वही सेम 1320 पिक्सल की विड्थ XL के साथ स्टार्ट हो रही है और अब जब हम इसको देखता हूँ रेस्पॉन्सिव मोड में तो ये देखिए दोस्तों 1320 पिक्सल की बड़ी स्क्रीन, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा छोटा किया तो ये 1140 पिक्सल की विड्थ हो गई और इसको और छोटा करता हूँ मैं तो ये देखिए दोस्तों ये आपको 100% के साथ काम कर रही है। अब आप जब इसको और ज़्यादा छोटा करते जाओगे तो वो हर बार आपको 100% स्क्रीन के साथ ही काम करेगा क्योंकि वो हम लोगों ने XL क्लास ऐड कर दी है वहाँ, तो वो बड़ी XL की XL और XL के ऊपर जितनी भी विड्थ होगी उसके बाद वो वहाँ पे एक स्पेसिफिक विड्थ के साथ काम करेगी। बट अगर XL से नीचे अगर आपकी डिवाइस है तो वो आपको वहाँ पे 100% के साथ काम करेगी अगर आप कंटेनर XL यूज करते हैं तो। सेम कंडीशन कंटेनर XXL के साथ हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों कंटेनर XL को हम देखते हैं यहाँ पे ये देखिए 1320 पिक्सल कंटेनर XL का। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा यानी बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ तब भी ये अपनी एक स्पेसिफिक विड्थ के साथ ही काम कर रहा है, ये देखिए दोस्तों ठीक है। अब इसको हम रेस्पॉन्सिव मोड में लेके जाते हैं, ये देखिए ये बड़ी स्क्रीन तक ठीक है, जैसे मैंने इसको छोटा किया थोड़ा सा तो ये 100% विड्थ ले लिया। अब आप अगर इसको चाहे तो भले ही इसको मीडियम स्क्रीन पे देखें चाहे लार्ज स्क्रीन पे देखें चाहे SM स्क्रीन पे देखें चाहे एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे देखें, ये सब जगह आपको सेम स्मॉल स्क्रीन के साथ 100% के साथ नज़र आएगी और बड़ी स्क्रीन पे आपको 1320 पिक्सल के साथ नज़र आएगी। भले ही आप इसको कितनी भी बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो एक फिक्स कंटेनर के साथ ये काम करेगी और सेंटर में हमारा लेआउट ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कंटेनर फ्लूइड के बारे में। दोस्तों कुछ वेब पेजेस ऐसे भी होते हैं जो 100% विड्थ के साथ काम करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपको 100% में आपको वो डिज़ाइन बनाना होता है तो उस केस में हम लोग कंटेनर फ्लूइड को यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम कंटेनर फ्लूइड यूज सेव करके चेक करता हूँ तो दोस्तों देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो 100% आ चुका है। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पे जूम आउट करके देखोगे कैसे भी देखोगे तो ये 100% ही वर्क कर रही है। ये यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में ये 100% काम कर रही है। अब मैं इसको आपको रेस्पॉन्सिव में भी करके दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे जैसे मैं छोटी स्क्रीन करता जा रहा हूँ चाहे वो भले स्मॉल स्क्रीन हो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो XXL हो एक्स्ट्रा स्मॉल हो सभी तरीके की स्क्रीन के साथ ये आपको कंटेनर फ्लूइड में 100% विड्थ के साथ काम करने वाली है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।